नमस्कार दोस्तों, विश्व एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हिंदी में हम देखेंगे पार्ट टू, जिसमें कि हमने पार्ट वन में आपको 11 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। नेक्स्ट हम 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा स्वर नहीं है, तो इसमें ए, उ, ए और ब चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। इसमें ए, उ और ए ये तीनों स्वर हैं दोस्तों, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं ब इसमें स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ब का जो उच्चारण स्थान होता है हमारा ओष्ठ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए, ई, उ और ओ। जैसे कि दीर्घ स्वर में दिया गया है, दीर्घ स्वर दो समान स्वरों के योग से निर्मित वर्णों को स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हमारा आ हो गया, आ जो मिल बनता है हमारा आ प्लस आ से मिलकर बनता है। ई बनती है हमारी ई प्लस ई से, और ओ ओ प्लस ओ से मिलकर बनता है। जबकि ओ एक संयुक्त स्वर है जो ए प्लस ओ से मिलकर बनता है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ये दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से दीर्घ स्वर है दोस्तों, बताएंगे इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है। अभी हमने आपको बताया दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आ, ई और उ दीर्घ स्वर हैं। तो देख सकते हैं ई हमारी इसमें दी है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दीर्घ स्वर निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों। अब इनमें से फिर देखेंगे हम दीर्घ स्वर आ, ए, ओ और ए, तो आ जो है हमारा इसमें दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर की इसमें बात की गई है दोस्तों, जब दो समान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनमें उनके अनेक योग से संयुक्त स्वर द्वारा कर्ण संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है, जिन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ए जो बनता है ए प्लस ई से मिलकर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट ए, ये ए प्लस ए से मिलकर बनता है। ओ ए प्लस उ से मिलकर बनता है। उसके बाद आता है हमारा ओ, ओ बनता है ए प्लस ओ से मिलकर, तो ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। तो हम इनमें से देख सकते हैं ये हमारे वर्ड किस किस में आ रहे हैं। ऑप्शन ए में हमारे वर्ड नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ए ए ओ नहीं है दोस्तों हमारे, ये ऑप्शन सी में हमारा ये ऑप्शन ए सी में भी नहीं है, ए आई ओ ओ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, चारों वर्ण ए आई ओ ओ ये चारों वर्ण हमारे ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर जो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन होता हमारे रस स्वर, दूसरा होता हमारा दीर्घ स्वर, तीसरा होता हमारा प्रस्वर। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ स्वर और प्रस्वर क्या है दोस्तों। ह्रस्व दीर्घ और प्रस्वर ये तीनों स्वर हैं। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, उ और री ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इनको एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। बात करें हम दीर्घ स्वर की, दीर्घ स्वर जिन स्वरों
के उच्चारण में दो या दो से अधिक समय लगे वे द्विक स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है इनको। इनमें आने वाले वर्ण अ ई उ ए ऐ ओ और ओ, ये जो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें प्लस स्वर। प्लस स्वर जिन स्वरों के चरण में तीन मात्रा का समय लगे उसे प्लस स्वर कहते हैं। जैसे ओम, दोस्तों प्लस स्वर में तीन अंक की तरह एक मात्रा होती है, जैसे ओम आदि में हम इसको लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दोस्तों। स्वर ध्वनि की अगर हम बात करें तो प्लुत, दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व तीनों ही हमारे स्वर ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट, उपयुक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिभ्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिभ्या के आधार पर अगर बात करें हम तो स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन अग्र, दूसरा होता मध्य, तीसरा होता पश्च। तीन प्रकार के हमारे स्वर होते हैं जिभ्या के आधार पर, तो इसका हमारा बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये मुख के आधार पर एक स्वर है, आपको बता दें कि मुख के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है विवृत, दूसरा आता है अर्धविवृत, तीसरा आता है अर्धसंवृत चौथा है संवृत। हम बात करते हैं अर्धविवृत की, तो अर्धविवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं, या मुख आधा खुलता है हमारा, जैसे ए ए आ, ओ। जैसे इनका उच्चारण करके देखें तो इसमें हमारा जो मुख द्वार है वो आधा खुलता है इसमें, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा हमारा इसका ए, तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है दोस्तों उनको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, तो इसका हमारा डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्चविव्रत, अर्धसंव्रत, अग्रविव्रत या पश्चविव्रत? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ था उ पश्चसंव्रत है। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे आ हो गया, उ हो गया, उ ओ, 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 ये सब जो होते हैं उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। संव्रत स्वर जिन स्वरों उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई ई उ उ। दोस्तों इसका जो हमारा जो सही वर्ण होगा वो वर्ण जो आ रहा है हमारा पश्चसंव्रत में आ रहा है ये रहा, तो इसका हमारा डी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट इसके अगले तो होठो की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रतमुखी स्वर है? ई उ ओ उ। तो होठो की आकृति के आधार पर स्वरों को दो प्रकार में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, अभ्रत मुखी स्वर
और ब्रतामुखी स्वर। ए ब्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में और ब्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें एवृत्ति स्वर कहते हैं, जैसे ए आ ई ई ए आई, ये एवृत्तमुखी स्वर होते हैं। ब्रतमुखी की बात करते हैं, ब्रतमुखी वे स्वर होते हैं जिनको बोलते उच्चारण करते समय ब्रत के आकार का मुँह होठ हो जाते हैं या गोलाकार हो जाते हैं, उनको ब्रतमुखी स्वर कहते हैं, जैसे उ उ ओ ओ अ। इनके उच्चारण के समय हमारा होठ का आकार ब्रत के आकार का हो जाता है, इन्हें हम ब्रतमुखी स्वर कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन में हमारी क्वेश्चन में एब्रतमुखी की बात की है, तो हमारा एब्रतमुखी स्वर इसमें ई होगा, ई हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कंठस्थ वर्ण कौन सा है? उ ए ई या ई? दोस्तों आपको बता दें दिए गए वर्णों में उ जो है औषधीय वर्ण है, ए कंठ है, कंठ वर्ण है, ई और ई तालव्य वर्ण है, तो इसका हमारा कंठ वर्ण पूछा गया है, तो कंठ वर्ण हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन वर्ण औष्ठ नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण हमारा औष्ठ नहीं है? मैं, बे, उ और अ। आवर्ण दोस्तों हमारा औष्ठ नहीं है, ये कंठ ध्वनि से बोला जाता है, कंठ ध्वनि से बोला जाता है, औष्ठ से नहीं बोला जाता। उ जो है हमारा औष्ठ ध्वनि है दोस्तों, इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा डी होगा, अ। क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से औष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ए की बात करें तो ए हमारा कंठ है, ई तालु, अ कंठ है, उ औष्ठ है। औष्ठ वर्ण पूछा गया है तो औष्ठ वर्ण हमारा वो है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंठ तालव्य कौन सा वर्ण है? उ और उ का उच्चारण स्थान हमारा औष्ठ है, औष्ठ। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य है। रे और से का उच्चारण हमारा मूर्धा, ए और आ का उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ तालव्य हमारा पूछा है इसमें, तो ए और ए का हमारा उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? हमारा ए का उच्चारण स्थान जो है हमारा कंठ तालु है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए के उच्चारण स्थान में डैश और डैश की सहायता से ली जाती है। दोस्तों इसमें रिक्त स्थान है तो सही विकल्प हमें चुनना है, हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, छंद तालु कंठ तालु, कंठ होगा तो सही कर लीजिएगा, इच यश तालु, दंत और ऑस्टन। दोस्तों इसका सी ऑप्शन हमारा सही होगा, कंठ और तालु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? दोस्तों ओ और ओ जो हमारे वर्ण हैं हमने आपको पहले बताया था, ये कंठोष्ठ वर्ण है, इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों ओ का उच्चारण स्थान हमें अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम कंठोष्ठ हमारा इसका उच्चारण स्थान है, इसका भी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ई ई जय 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 ये का उच्चारण स्थान किसमें होता है? दोस्तों ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण जिभ्य तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे ई ई जय 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 ये इनको उच्चारण में तालव्य को स्पर्श होता है इसलिए इसको हम तालव्य वर्ण कहते हैं। इसका जो हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन में तालव्य है, तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण का कौन सा अक्षर पुल्लिंग है? पुल्लिंग नहीं है, जय और जय ये जो है हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। जय और टे भी पुल्लिंग है, ए और पे भी हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि ई और ई ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनसे मिलकर कुछ वर्ण बनते हैं जैसे स्त्री, नदी, बालिका आदि वर्ण बनते हैं जो कि सब स्त्रीलिंग में आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शब्द में रे शब्द नहीं है? दोस्तों इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कृपा, कृष्ण, दृष्टि और आज, इनमें से कौन से शब्द में स्वर रे स्वर नहीं है? देखिए कृपा में भी रे स्वर दिया गया है, दृष्टि में भी और कृष्ण में भी, जबकि आज में रे स्वर नहीं दिया गया। तो दोस्तों इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी आज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रे की मात्रा का प्रयोग नहीं होता? दोस्तों इसमें दृष्टि शब्द में रे की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? दोस्तों संभालना शब्द में अनुनासिकता पाई जाती है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है जिसके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेष चंद्रबिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्रबिंदु पदार्थ तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। चंद्रबिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया जाता है, जैसे के प्लस ए बराबर मिलकर बनता है हमारा के, ऐसे ही खे प्लस ए बराबर खे। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन। इसका हमारा सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 मानी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? दोस्तों इसमें क्या क्या कंठ ध्वनियाँ हैं? छः छः तालव्य, टे और ठे ध्वनियाँ मूर्धन्य, और ये और रे ध्वनियाँ जो है हमारी अंतस्थ हैं। कंठ ध्वनियाँ पूछा गया तो क्या और खे हमारा इसका राइट ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चारण